हेलो बच्चों, आज हम सुनेंगे प्यासा कौवा की कहानी। एक बार की बात है, बहुत गर्मी का दिन था और कौवा बहुत प्यासा था। वह पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। भटकते भटकते वो एक बगीचे में पहुंचा। कौवे ने वहां पर एक मटका पड़ा देखा, पर उस मटके में पानी बहुत कम था। पानी तक कौवे की चोंच नहीं जा सकती थी। तभी कौवे को एक तरकीब सूझी। उसने बगीचे में पास ही पड़े कंकड़ों को देखा। कौवे ने एक एक करके कंकड़ को उठाना शुरू किया और उसे मटके में डाल दिया। ऐसा कौवा बार बार करता रहा और ये करते हुए पानी का तल ऊपर आ गया। कौवे ने देखा कि अब उसकी चोंच पानी तक पहुंच पा रही है। कौवे ने पानी पी लिया और इस प्रकार कौवे की प्यास बुझ गई और वो उड़ गया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि जहाँ चाह होती है वहाँ राह मिल ही जाती है। आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। बाय।